अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद, आपका ट्यूटर। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे बीकॉम पार्ट वन की, और इसका सब्जेक्ट है फंक्शनल इंग्लिश। स्टूडेंट्स, आपको पता है हम इस यूट्यूब चैनल के थ्रू आपको एग्जाम प्रिपरेशन फॉर सप्लीमेंट्री स्टूडेंट्स 2022 करवा रहे हैं, यानी कि सेकंड एनुअल 2022 आपको करवाया जा रहा है। आप स्टूडेंट्स ज्यादा से ज्यादा चैनल को ज्वाइन करें, वीडियोज को लाइक करें, और इन वीडियोज को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ उनका भी बेनिफिट हो जाए। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे, आपको पता है हमने डेफिनेशन का ना पोर्शन स्टार्ट किया हुआ है, मैं आपको इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस बता रहा हूं। तो लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको सेंटेंस से रिलेटेड चैप्टर की इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस बताई थी। आज मैं क्या करूंगा, आपको नाउन के बारे में गाइड करूंगा, कि नाउन का जो चैप्टर है ना आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर, नाउन इसके अंदर आप कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस को करोगे। तो स्टूडेंट्स नोट डाउन करते जाएं, मैंने बुक जो यूज की है वो है इमरान हाशमी राइटर की। आप जिस मर्जी बुक से इसको याद कर लें, मैं डेफिनेशंस लिखते जा रहा हूं, आप इसको टिक कर लीजिएगा जो जो सी आपने याद करनी है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले आप करोगे डिफाइन नाउन, नाउन की डेफिनेशन करोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नंबर दो प्रॉपर नाउन, नंबर तीन कॉमन नाउन, नंबर चार कलेक्टिव नाउन, बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स ये कलेक्टिव नाउन, जिसको मैं इंपॉर्टेंट बोलता भी जा रहा हूं उसको मजीद याद कीजिएगा। नंबर फाइव आप करेंगे अब्स्ट्रैक्ट नाउन, स्टूडेंट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है अब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसका आपको क्वेश्चन भी आता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन का। नंबर सिक्स आप क्या करेंगे, काउंटेबल नाउन। नंबर सेवन आप करेंगे अनकाउंटेबल नाउन। नंबर एट आप करेंगे कंपाउंड नाउन। नंबर नाइन आप करेंगे केस ऑफ नाउन। बस स्टूडेंट्स ये नाइन डेफिनेशन ही आप करेंगे नाउन के चैप्टर में। स्टूडेंट्स नाउन किसे कहते हैं, किसी खास जगह या चीज के नेम को नाउन कहते हैं। जैसे असलम शख्स में आता है, जगह मींस लाहौर, और चीज मींस कुर्सी, पेंसिल, कॉपी, ये खास पर्टिकुलर चीजें हैं जिनको हम नाउन कह सकते हैं। तो ये नाउन है आपका, नाउन के अंदर आप ये डेफिनेशंस याद करेंगे, और जब भी डेफिनेशंस लिखनी है एग्जाम्पल मस्ट देनी है। अगर आपने एग्जाम्पल नहीं दी आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, ये बात अपने माइंड में आप रखिएगा, एग्जाम्पल आपको लाजमी देना पड़ेगी। आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपसे पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर नेक्स्ट चैप्टर लेके आऊंगा इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस के रिलेटेड। आपने इसको याद करना, और इस यूट्यूब चैनल के थ्रू आपको इंपॉर्टेंट नंबर्स, इंपॉर्टेंट जेंडर्स, इसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया कि आपने ऐसे को याद नहीं करना, आपने ऐसे की जगह प्राइसी का पैरा करना है, पैसेज करना है, उसको कैसे करना है वो भी इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर मैंने वीडियो अपलोड कर दिया, उसको भी देखिएगा। और इसके अलावा मैंने आपको यह भी बताया कि प्राइसी को सोल्व करने का तरीका क्या है, और दोनों जो प्राइसेज हैं आपके पास, क्वालिटी ऑफ गुड प्राइसी और रूल्स ऑफ प्राइसी, इस दोनों को किस तरह आपने राइट करना है अगर पेपर के अंदर इन दोनों में से एक आ जाती है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब तक इतना ही, अपना ख्याल रखें, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।